नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे साथ खबर चलती फिरती। और मिथुन चक्रवर्ती हो गए हैं बीजेपी में भर्ती, तो चलिए करते हैं खास मुलाकात मिथुन दा के साथ। दादा नमस्ते, राजनीति में आपका स्वागत है। दादा दादा आप राजनीति क्यों ज्वाइन करना चाहते? तुम्हें जानी ना, आमी एक तो कोबरा मरबे खाने तो लाश पड़े शोचाने, क्या तो जानी आमी स्पष्टवादी, आमी देशभक्त छे, आमी बांग्लार छिले, आमी ভালোবাসি। দাদা একটু প্রশ্ন আছে, তুমি রাজনীতি বুঝতে পারবে নাকি? ইউ আর রাইট, আই এম নট হিয়ার ফর পলিটিক্স, আই এম হিয়ার ফর গুডনেস। আই ওয়ান্ট টু ডু সমথিং গুড ফর মাই নেশন, আই ওয়ান্ট টু ডু সমথিং ফর মাই নেশন, দ্যাটস ওয়াই আই এম হিয়ার। আই এম নট সেলফিশ, I'm not selfish like other politicians. I'm here for betterness, for my nation, because I love my country, I love my India. I have one question. Right. Please tell us about the something current politics. अरे तू तो जानता है, पिछले 40-50 साल से ये मिथुन दा लोगों की सेवा करता रहा है, अपना काम छोड़कर भी लोगों के काम आता रहा है, क्योंकि गरीबों की तकलीफ क्या है ये मैं समझता हूं, और गरीबों का दर्द क्या है मैं समझता हूं, इसलिए गरीब मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं गरीबों का अमिताभ बच्चन हूं। एक मिनट, ये क्या है? कभी हिंदी में क्वेश्चन करो तो आप बंगाली में आ जाते हो, बंगाली में करो तो इंग्लिश में तो फिर हिंदी में, फिर वापस बंगाली में, ये तीन भाषाएं क्यों? ये तीनों भाषाओं के साथ तीन पार्टियां जुड़ी है, जो मुझे व्यूज देती है, जो मुझे कंफ्यूज देती है। पहली पार्टी बंगाली पार्टी, ज्योति बसुदा की पार्टी, ज्योति बसु है, विपाशा बसु नहीं रहे, ज्योति बसु, ज्योति बसु जी की पार्टी। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, बिकॉज ज्योति दा वो बंगाली है, मैं भी बंगाली, इसलिए दिल से दिल की पार्टी, इसलिए मैंने पहला जवाब बंगाली में दिया। दूसरा हमारी हिंदी पार्टी, मोदी जी की पार्टी, मोदी जी हिंदी भाषा, हमारे वतन की भाषा, देश की भाषा। मैं दिल से बंगाली हूं और तन मन से हिंदुस्तानी हूं, इसलिए हिंदी भाषा। लेकिन तीसरी भाषा जो इंग्लिश वाली है, वो टोटल कंफ्यूज करती है, वो हमारी दीदी की भाषा है, इंग्लिश भाषा। ना दीदी समझ में आई, ना उनकी भाषा समझ में आई, दीदी भी कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज, ये भी कंफ्यूज, है कोई शक है तो कंफ्यूज लग रहा है, इसलिए मोदी, दीदी और ज्योति। कैसा लगा मेरा डायलॉग? बहुत अच्छा। चल अगला सवाल कर, चल सवाल कर। दादा अपोजिशन पार्टी वाले पूछ रहे हैं, जो मैं उनके तरफ से बोलना चाहता हूँ आपको, कि आप इस पॉलिटिक्स में जो आए हो, कोई पोस्ट के लिए आप आए हो? तेरी चाक का पैदा मारू, तेरे नाम का कुत्ता पालू, पोस्ट के लिए? अरे इस मिथुन चक्रवर्ती को कोई पोस्ट क्या देगा रे, मैं तो पैदा ही पोस्ट के साथ हुआ, पोस्ट के साथ पैदा हुआ हूं। अगर ये बात तेरे सिवा किसी और ने की होती, मौ कसम उसका पोस्टमार्टम कर देता। ये मिथुन चक्रवर्ती पोस्ट के लिए नहीं, पोस्टर के लिए पैदा हुआ है। हर जहां जहां मेरा पोस्टर लगता है, वहां लाखों की भीड़ खड़ी हो जाती है। मिथुन है लीड, उसके साथ में है लाखों की भीड़। अच्छा, इसलिए ये सोशल मीडिया जो पोस्ट का भूखा है तेरी तरह, तुम लोग दिन में 7-8 पोस्ट डालते हो उसी सोशल मीडिया पे, ना मैं ट्विटर पे हो, ना इंस्टाग्राम पे हो, ना फेसबुक पे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पोस्ट मेरे किसी काम के नहीं है। कुदरत ने मुझे पोस्ट दिया है, जानना चाहता है क्या क्या पोस्ट दिया है? जी, मैं पीएम हूं। पीएम? प्यारा मिथुन। ओ, मैं सीएम हूं। सीएम? चक्रवर्ती मिथुन। ओ, मैं डीएम हूं। डीएम?
दादा मिथुन। ओहो क्या बात है। मैं जीएम हूँ। जीएम मतलब सर ग्रैंड मार्शल मिथुन। आप किसी भी साथ में मुझे जोड़ेंगे तो टी आई टी का ये तमगा भी मेरे साथ ही है। दादा इज दादा। हालांकि 70 की एज है अब दादा भी कम पर दादा, लेकिन फिर भी क्या बात। अच्छा क्या बात। मेरे पोस्ट की वजह से, अच्छा मेरे काम की वजह से पूरी दुनिया मुझे क्या कर रही है, ग्रैंड सैल्यूट कर रही है। वो ठीक है, आप दादा है, आप एक बाप भी है, तो आपका बेटा, आप तो इतना चल गए, अभी भी चल रहे हो, आपका बेटा क्यों नहीं चल रहा है? तेरी जात का पैदा मारू, तेरे नाम का कुत्ता पालू। मेरा बेटा मिमो, आई लव माय सन। अरे चलना चलना क्या होता है रे, बेटा चल नहीं पाया। अरे मेरा बेटा चलने के लिए नहीं, चलाने के लिए पैदा हुआ है। चलाने के लिए? ये मिथुन चक्रवर्ती चल रहा है दुनिया में। हाँ लेकिन उसे चला रहा है मेरा बेटा। एक मिनट, आप तारीफ कर रहे हो, बराबर तारीफ कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, लेकिन कैसे चला रहे हैं? क्योंकि मेरे करोड़ों की दौलत है। हाँ, मेरे पास जायदाद है। हाँ, मेरा है होटल। हाँ, और संभाल रहा है मिमो सबका टोटल। ओ, और रोज शाम को खोलता है बोटल। ओ, मेरे लिए, खुद के लिए नहीं, मेरे लिए। और सुन रहे, बेवड़े की शक्ल वाले, वो पानी की बोटल होती है, पर उसके पास बहुत है पैसा पानी, वो चलने के लिए, चलाने के लिए पैदा हुआ है। ये सही बात है, ये आपकी ममता बोल रही है। इसके जात का पैदा मारू, तेरे नाम का कुत्ता पालू। तू मुझे अपोजिशन का लगता है, पत्रकार की शक्ल में पत्रे की कार लेकर आया है। बातचीत के बीच में ममता लाने की क्या जरूरत थी रे? बाप की ममता। तू चलता फिरता MBA है, ममता बैनर्जी आदमी, तू ममता बैनर्जी का आदमी है, ममता बैनर्जी एकेडमी है तू अपने आप में। तू शर्म कर, अपने आप में लालत ले। लेकिन दादा, अच्छा चलिए, सॉरी, यहाँ पर अपनी योग्यता किस वजह से पहुंचा है? मिथुन किसी की सिफारिश से नहीं पहुंचा है। मिथुन के पास योग्यता थी, योग्यता है और योग्यता रहेगी, समझा? कोई शक, तेरे नाम को कुत्ता पालू। लेकिन राजनीति में आप आए हो, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, ऐसा हमने सुना है और देखा है कि अक्सर लोग राजनीति में सेविंग के लिए आते हैं। सेविंग के लिए आते हैं, राशि के लिए आते हैं, तो कहीं आप भी? तेरे नाम का कुत्ता पालू। अभी भाग लो भाई, बोल बोल, मैं तो भाग रहा हूँ। जवाब सुनते जाओ, जवाब सुनते जाओ। बोलो दादा, बोलो। क्या कहा है कि लोग मतलब राशि के लिए? अरे मिथुन पैदाइशी अमीर है, वो किसी राशि के लिए नहीं, मिथुन अपने आप में राशि है। अरे जिसके पास खुद मिथुन राशि हो, वो टुच्ची राशि के पीछे क्या भागेगा? अरे तुम लोग जो ब्याज भरने वाली जो जात है, तुम लोग जात ब्याज भरते हो ना, मैं उसी ब्याज का नाम लेके चलता हूं, चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन मिथुन राशि और चक्रवर्ती ब्याज, और उसके साथ साथ तुम लोगों को लगता है कि मैं राजनीति में पैसा कमाने के लिए, सेविंग के लिए आया हूं। अरे तूने मुझे स्टेज पर नहीं देखा है, मैं दाढ़ी बढ़ा कर आया हूं। नो, राजनीति में आने के बाद नो शेविंग और नो सेविंग। ना कमाऊंगा ना कमाने दूंगा। आई एम टोटली फैन ऑफ मिस्टर मोदी। एक सवाल और है आपसे कि आपने कहा मिथुन चक्रवर्ती, लेकिन आपका असली नाम तो गौरंग चक्रवर्ती है। इस साले ने पहली बार सही सवाल किया है। आई अप्रिशिएट, इसे भी एक टिकट दूंगा मैं इसके गांव का। सुन जी, मेरा नाम गौरंग चक्रवर्ती है, फिल्मी नाम मिथुन चक्रवर्ती है जी, लेकिन इस नाम का भी बहुत बड़ा मतलब है। टॉल डार्क एंड हैंडसम मिथुन चक्रवर्ती असल में गौरांग चक्रवर्ती है, और गौरांग मतलब गौ का रंग, यानी गाय का रंग। यू ही नहीं, मिठुंदा को लोग कहते हैं इज अ गुड गाय। समझा बल, तू क्या बकरा है, कुत्ते की तरह भौंक रहा है, निकलो यहां से, कोई शक। देखा अभी आपने मिथुन चक्रवर्ती जी को, और उनके साथ हुई हमारी खास मुलाकात, और यहीं पे खत्म करते हैं हम अपनी बात। तेरे नाम का कुत्ता पालू।